नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी और आप लोगों को अवगत कराया था कि मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए कुछ नया और विशेष लेकर आने वाली हूँ, तो आज मैं आप लोगों के सामने एक विशेष और कुछ नई चीज़ लेकर आने वाली हूँ जो कि बहुत ही रुचिकर है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी का एक ना एक पसंदीदा रंग होता है। व्यक्ति की आदतों से उसके व्यक्तित्व का पता चल सकता है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं आपका पसंदीदा रंग भी आपके बारे में बहुत सी जानकारी दे सकता है, आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता है आपका फेवरेट कलर। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि जिन लोगों का फेवरेट कलर हरा होता है उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। तो जानते हैं, हरा कलर पसंद करने वाले लोग जो होते हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। माना जाता है वह दूरदर्शी और काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। यह लोग कोई भी निर्णय लेते समय यह दिल की बजाय दिमाग की सुनना पसंद करते हैं। इन्हें सीखते रहना पसंद होता है। पद और प्रतिष्ठा मिलने के बावजूद भी यह लोग घमंड नहीं करते हैं और जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं लाल रंग की। जिन व्यक्तियों को लाल रंग पसंद होता है उन व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है जानते हैं। जानने से पहले, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जिन लोगों को लाल रंग पसंद होता है वह लोगों अन्य लोगों को नियंत्रण में रखना पसंद होता है। यह लोग नेतृत्व करना अधिक पसंद करते हैं। यह लोग प्रत्येक वस्तु और चीज़ों को नियंत्रण में रखना पसंद करते हैं। रिश्ते पूर्ण रूप से निभाने में यह लोग निपुण होते हैं। अपने मन की बात कहने में हिचकिचाते नहीं हैं। कार्य स्थल पर भी अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाते हैं। यह लोग दृढ़ निश्चयी और लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं। यह लोग अत्यधिक साहसी और बुद्धिमान भी माने जाते हैं। बात करते हैं नारंगी रंग की। यदि आपका पसंदीदा रंग नारंगी है तो आपके व्यक्तित्व के लक्षण बताते हैं कि आप गर्म, आशावादी, अच्छे स्वभाव वाले, उत्साही, सहनशील, खुले विचार वाले और दृढ़ निश्चयी और मुखर किस्म के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। आप लोग जोर जोर से बातें करना पसंद करते हैं और सामाजिक और बाहरी व्यक्तित्व के हो सकते हैं। आप लोगों को पार्टी आदि करने में बहुत ही आनंद मिलता है। बात करते हैं नीले रंग की। ऐसे लोग रिश्ते में एकता को अधिक महत्व देते हैं। यह रोमांटिक किस्म के होते हैं। अपने संबंधों में अच्छी तरह से यह लोग निभाते और निपुण होते हैं। यह लोग प्रतिस्पर्धा की जगह प्रोत्साहन के माहौल में काम करना पसंद करते हैं। यह लोग कोई भी निर्णय भावना के आधार पर लेते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं पीले रंग की। पीला रंग जिन व्यक्तियों को पसंद होता है वह मौज मस्ती करने वाले और सुख मिजाज लोग होते हैं। इन लोगों को आसपास के लोगों से बात करना अत्यधिक पसंद होता है। आगे जानते हैं पीला रंग जिन लोगों को पसंद होता है उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। यह लोग जल्दी दोस्त बना लेते हैं। कार्यस्थल पर रचनात्मक होते हैं। इनके कार्य को पसंद भी किया जाता है। यह लोग खुशमिजाज होने के कारण इन लोगों को बहुत से लोग पसंद भी करते हैं। आगे चलते हैं हम अपने सफ़ेद रंग के बारे में जानकारी लेते हैं। सफ़ेद रंग जो कि शांति का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग, यह लोग शांति प्रिय होते हैं।
अपने आसपास के माहौल को शांति प्रिय बना के रखते हैं और लोगों से भी शांति की अपील करते हैं और इसी कामना के साथ अपना जीवन बिताते हैं। यह लोग सोच समझकर बात करने वाले होते हैं, दयालु किस्म के होते हैं और सबसे अच्छी बात कि यह लोग अजनबी की भी मदद करने का हर संभव प्रयास करते हैं। इसी कारण सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक भी माना गया है। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं बैंगनी कलर की, यानी कि पर्पल कलर। पर्पल कलर जो होता है वह यह जो पसंद किया जाता है जिन लोगों के द्वारा, वह लोग विचार दूसरों के सुनना पसंद करते हैं और अपने विचारों को भी कहना अत्यधिक पसंद करते हैं। स्वभाव से होशियार एवं मजाकिया होते हैं और जहाँ भी ये लोग होते हैं उस जगह को अपने मजाकिया गुण के कारण खुश मिजाज बना देते हैं। इन लोगों को सलाह देना अत्यधिक पसंद होता है। यह लोग बिना पूछे हर किसी को सलाह देने से नहीं चूकते। यही गुण इनको दूसरों से अलग बनाता है। रंगों से संबंधित यह जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं इस प्रकार की जानकारी आप लोगों के लिए आगे भी ला सकूं। तो चलते हैं और आगे हम इसी प्रकार की वीडियो लाने का हर संभव प्रयास करेंगे और चलते हैं। धन्यवाद।